शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या कहते हैं आप हमसे कि एडमिशन हमारा होगा? ना आपके भाई होने की कोई कीमत है, ना ही आपके जबान की। हम आपके बेटे बंटी को गिरफ्तार करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि उसने एक लड़की को अगवा किया था। किससे लिखवाई रिपोर्ट? श्रावणी ठाकुर। ले चलो ने। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। जिस लड़की को अगवा करने के जुर्म में आप इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, वो लड़की हम ही है। हम ही आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया था। हम आपके बेटे बंटी को गिरफ्तार करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि उसने एक लड़की को अगवा किया था। किससे लिखवाई रिपोर्ट? श्रावणी ठाकुर ने। बंटी नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने पुलिस को नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाएंगे? मानते हमने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन वो बात हमारे लिए वही खत्म हो गई थी। लग तो नहीं रहा। बंटी, हम मानते हालात बदल गए, लेकिन भरोसा तो अब भी। भरोसा? अरे अपनी माँ से ज्यादा भरोसा तो हम तुम पर करते थे, और इसी भरोसे के बल पर तो हम तुमको डॉक्टर के पास लेकर गए थे ना। और बाबा, बाबा को उसके दोस्त ने बांध रखा था ताकि हम तुम्हारी शादी को ना रोक सके। और तुमने क्या किया? तुमने कह दिया कि तुम उससे प्यार करती हो। तुमने शादी की, तुम्हारे सिर पर चोट आई और तुम सब भूल गए। कब की शादी? एक बार भी बताया कि तुमने शादी करी है। अरे सच तो यह है कि तुमको हम पर भरोसा नहीं था श्रावणी। अगर हम पर भरोसा होता ना, तो सबसे पहले तुम हमें आकर बताती कि तुम उससे प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो। एक बार कह देती, हम इसी कंधे पे तुम्हारी डोली उठा के उसकी चौखट तक छोड़कर आते तुमको। लेकिन तुम भरोसे की बात तो तुम करो मत श्रावणी। बंटी, ऐसा मत बोलो प्लीज। हम बहुत अकेले पड़ गए, बहुत ज्यादा। हमें जरूरत है तुम्हारी। यही लगा था हमें भी श्रावणी, कि तुम्हें हमारी जरूरत है। हमारी बहन को इस वक्त हमारी जरूरत होगी, इसीलिए सब छोड़कर आए थे। पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर लखनऊ से तुम्हारे लिए आए। और तुम तो कह चुकी हो कि ये सब अब तुम्हारा अपना मामला है ना? और अब तो तुमने पुलिस को बुला के ये साफ कर दिया कि तुम्हें किसकी जरूरत है। राखी याद है तुम्हें? जब से वो संभाला है, तब से हम ये राखी जमा करके रखते हैं, ताकि हम जिसको दिल से अपना भाई मानेंगे ना, उसको ये राखी बांधेंगे। लेकिन अब इसका क्या फायदा? बंटी, बंटी तुम अब तुमने हमसे अपनी रक्षा का अधिकार ही छीन लिया, तो फिर कच्चे धागों का क्या मोल है श्रावणी? बंटी, बंटी, बंटी।
अजीब मोड़ पर फंस गए हैं हम बंटी। इस शादी को स्वीकार करने की वजह तुम्हें कैसे बताए? एक तरफ ताई जी है और दूसरी तरफ ताऊ जी, और हम तुम्हें दोनों से दूर होने नहीं दे सकते। अकेला छोड़ दीजिए भैया हमें। फुटकी क्या बोली? पहले हमको ये बताओ कि तुम झूठ काहे बोली कि तुम अपनी मर्जी से गई थी उसके साथ में। क्योंकि अब हम समझदार हो गए, उसके साथ रहना चाहते हैं जो सच में हमारी कदर करता हो, जिन्हें सिर्फ कहने के लिए नहीं पर सच में हमारी परवाह हो। क्या है, डॉक्टर बनना चाहते थे, आपकी कृपा से वो तो नहीं बन पाए। क्या है ना भैया, सगे भाई से धोखा खा लिए तो एक बात समझ गए कि जो करता है अब खुद के लिए खुद ही को करना है। तो अब हम हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से जिएंगे, और जानते हैं किसके साथ? बंटी। बंटी? हाँ बंटी, आपकी तरह झूठा नहीं है वो, जो कहता है वो करके दिखाता है। अरे उसने तुमको उठवा लिया था, क्या पगला गई हो का? हाँ वही तो, उठवा लिया था हमको अपनी बहन के सपने पूरे करने के लिए, सारी दुनिया हिला डाली उसने भैया, मजबूर कर दिया आपको घुटने टेकने पर। और क्या कह रहे थे आप, किसी के सामने झुकेंगे नहीं? झुकवा दिया आपको भी उसने। तो जरा सोचिए, अगर बंटी को हमसे प्यार हो जाए तो वह हमारे लिए क्या कर गुजरेगा? प्यार? क्या पगला गई हो का? जो बेसर की बातें कर रही हो, दिमाग खराब हो तुम्हारा? जो तुमको अपना अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा? हमारा अच्छा बुरा? बच्चे नहीं है हम। हमारे लिए तुम बच्चे ही हो, समझी? पापा नहीं है आप हमारे, और बनने की कोशिश भी मत करना। उठकी, 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 उठकी। फिर से लड़ ली ना? अरे तुम काहे अपना माथा खराब कर रहे हो? हमसे ब्याह किए होते ना तो देखते, पता नहीं उसमें क्या देख लिया जो उसको उठा लिया। अब भुक तो हम कह रहे हैं अभी भी समय है, छुटकारा पालो उससे। और तुमको बांध रहे गले से? हाँ और क्या। अच्छा क्या कर सकती हूँ हमारे लिए? कुछ भी, कह के तो देखो। ज्ञान दे सकती? बिल्कुल, आजमा के देख लो। तो दे दो और डूब जाओ कहीं। अरे डायन भी साथ घर छोड़ के डाका डालती है, लेकिन तुम तो अपनी बहन के घर में डाका डाल रही हो। किस्मत चमकी है तुम्हारी जो हमारा दिल आ गया तुम पर, वरना हमको ठुकराने वाला ना अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बोल ली, अब फुट लो यहां से, और आगे से ना हमसे 10 हाथ दूर रहना, वरना लड़का और लड़की में फर्क नहीं देखेंगे, लपड़िया देंगे। किस्मत चमकाएंगे हमारी ये। हम भी देखते कैसे दिल नहीं आता, अपना बना के ना छोड़ा ना तो हम अपना नाम बदल देंगे। आप ही ने बुलाया था ना पुलिस को, क्यों किया ऐसा? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। पागल हो तुम? कहाँ इतना डर आई हुई?
अच्छा, बंटी ने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी का? हाँ? अब क्या परेशानी थी आपको हमसे? क्या बिगाड़ा था हमने आपका? कहाँ बिगाड़ा था? भूल गई? 12 साल पहले हमारा पूरा राजपाट बिगाड़ा था। जिस तरह से तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीना है ना श्रवणी, याद रखना, एक एक करके तुमसे तुम्हारी एक एक चीज, एक एक रिश्ता हमने ना छीना ना, तो हमारा नाम भी चंद्रा नहीं। सच्चे रिश्ते ना इतनी आसानी से नहीं टूटते ताई जी, लेकिन आपने कभी रिश्तों की गहराइयां समझी नहीं। अगर समझते ना तो ये जान जाते कि हम सच में आप पर भरोसा करने लगे थे। सब लोग इतने खुश थे, किस बात की कमी थी आपको? जो हमारा था वही हमको भीख में देने का ढोंग करती हो और सोचते हो हम तुम्हारा एहसान मानेंगे? नाम में भले चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं, पर तुम्हारी जिंदगी में हम आग लगा चुके हैं श्रवणी। अब झुलसो। हमसे नफरत करते करते ये भी भूल गई कि इस आग में और भी दो लोग झुलस रहे हैं, जिनसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है। आग लगानी है ना आपको, लगाइए। हम भी वादा करते हैं कि अपने रिश्तों को इस आग से बचा के रखेंगे, लेकिन जब इस आग की लपटें आप तक पहुंचेंगी ना, तो इस बार हम नहीं आएंगे आपको बचाने, ना कोई और बचाएगा। याद रखिएगा, ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना हो कि हमें कोई बचाएगा। ताई जी, स्वीटी, 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 क्या हुआ? स्वीटी, 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 क्या हुआ बेटा? स्वीटी, क्या स्वीटी, क्या हुआ बेटा? स्वीटी, हमारी बच्ची, क्या हुआ बेटा? ताऊ जी, इसके पल्स बहुत वीक है और ब्लड प्रेशर भी बहुत कम है। इसको हुआ क्या है? हमारा बच्चा नहीं बचा, वो बच्चा ने बना पाए, बचा नहीं पाए। चंद्रा, ये क्या बके जा रही है? अरे आप डॉक्टर को फोन लगाइए, उसकी हालत देखिए ना। स्वीटी, स्वीटी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब इन्हें पूरे आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ, आने वाले 15 दिनों तक इनके खाने पीने का पूरा सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना इन्हें और भी कमजोरी आ सकती है। ठीक है, टेक केयर। ये डॉक्टर क्या कह के गई? बच्चा किसका बच्चा है? और तुम्हें पता था ना ये? नहीं, हमें कैसे पता होगा? तुम्हें पता था? स्वीटी, 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 ये क्या किया तूने? पूरे पूरे घर वालों का नाम मिट्टी में। स्वीटी, ताई जी, हम दुकान नहीं मार देंगे। ताई जी, नहीं, स्वीटी को आराम की जरूरत है। ये सब बातें बाहर चल के करते हैं। हमारा बच्चा, हमने हमारा बच्चा नहीं बचा पाए।
ये लीला देखो, ये पीछी थी। अरे अम्मा, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। अब आगे मचा देखिए। मैं कुछ नहीं पता, हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए, हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। चुप हो जा बेशरम, चुप हो जा। कोई कसर रह गई है जो चीख चीख के सबको बता रही है? मुंह पे बाप के कालिक मलदी, शरम नहीं आई तुझे? चिल्लू भर पानी में जाके डूब मर। इस हवेली को लोग इज्जत से देखते थे, उंगली उठाएंगे अब। छो मत हमको, छो नहीं। पापा ने जानबूझ कर नहीं किया पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए ना पापा। ये क्या तमाशा खड़ा कर दिया स्वीति ने? अब तुम खुश हो ना? तुम जो चाहते थे वो हो गया, तुम ही हो असली दोषी। ये क्या बकवास कर रही है? हम? हाँ हाँ हाँ, तुम तुम्ही ने मारा उसे। शिवांश मुकर क्यों रहा है? ताकि तुम अपनी अपनी असली करतूत छुपा सको। क्या शिवू? माँ, अपना इस बेवकूफ की बातों पे ध्यान मत दीजिए। इसकी एक काली करतूत के बारे में ना हमको बहुत पहले से पता था। कहीं ये हमारा नाम ना ले ले। इसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट जो लग गई थी हमारे हाथ में, हम तो जाने वाले थे इसके पापा को बताने कि इसकी काली करतूत क्या है। हमसे कहने लगी कि इसका ये बच्चा ये हमारे भैया का है, जैसे हम इसकी बातों में आने वाले थे। वो तो हमको भैया जी ने रोक लिया। शिवांश का बच्चा? हम झूठ क्यों बोलेंगे? अब तो हमारा बच्चा भी नहीं रहा। हमें क्या मिलेगा अपना तमाशा बनाकर? क्योंकि तमाशा करना तुम्हारी आदत है, और तुम्हारी इन बातों में ना एक पैसे की सच्चाई नहीं है। ये लड़की आज सब सत्यानाश करने वाली है। हे भगवान, सब क्या हो रहा है? कैसे संभाले हम स्वीटी को? अच्छा, तो तुमने स्नेहा को रिपोर्ट दिखाने से क्यों रोका था? कहीं अपने बचने के चक्कर में हमको ना फंसा दे। पापा, हमको पता है हम बेवकूफी में बहुत बड़ी गलती कर बैठे, और इसने भी हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। इसने हमें झूठे सपने दिखाए, हम बहक गए। और जब हमने इसे बताया कि हम माँ बनने वाले हैं, तो इसने हमें अपनाने से मना कर दिया। और अब मामला रफा दफा करने के लिए इसने हमें सीढ़ियों से गिरा दिया। अम्मा, बला की झूठी है लड़की। देखो, तुम्हारे इस बच्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं था, और ना ही हमने तुम्हें धक्का दिया। पापा, पापा हम झूठ नहीं बोल रहे। पापा, अब पूछिए ना इससे, अगर इसको हमसे कोई लेना देना नहीं था, हमारे बच्चे से कोई लेना देना नहीं था, तो
तो ये शादी क्यों करा था हमसे? इससे कब की शादी? आप लोगों को सबूत देखना है? हाँ, सबूत है हमारे पास, हम दिखा सकते हैं। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? ये सब मैसेज तुमने किया है ना? हम तुमको पता भेजते हैं जहां पे आना, शादी आज ही होगी। बोलो बोलो ना। न्याय मिलेगा। क्या बात है बहन जी? जीवन धारा नारी शक्ति संस्था से हैं हम। शिवान सिंह ने आपकी बेटी स्वीटी के साथ शादी का वादा करके उसे बरगलाया और फिर उसी की बहन से शादी कर ली, और आज जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसपे बच्चा गिराने का दबाव बना रहे हैं। दीदी, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। शिवान ने हमारे बच्चे को मार दिया। शिवान सिंह, या तो तुम जेल जाओगे या श्रवणी को छोड़कर स्वीटी के साथ तुमको शादी करनी होगी। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।